जैस्मिन भरेगी फतेह के खिलाफ तेजो के कान, क्या तेजो इस बार फिर से आ जाएगी जैस्मिन की बातों में। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात करें सीरियल उड़ारिया की, जहां आप देखने वाले हैं कि कैसे सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में एक ही बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह जैस्मिन जो है वो तेजो के कान भरती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या इस बार फिर से तेजो जैस्मिन की बातों में आकर फतेह से दूर हो जाएगी, क्योंकि ये बात अच्छे से जानते हैं कि जैस्मिन का प्लान क्या है। जैस्मिन का फिर से ये प्लान है कि वो विर्क परिवार में वापस चली जाए और जो तेजो और फतेह पास आ रहे हैं वो दोनों के दोनों फिर से दूर हो जाए। आपने ये तो देखा था कि जैस्मिन जब वापस लौटी थी तो जैस्मिन ने ये ठान लिया था कि कैसे फतेह और तेजो से उसे बदला लेना है, क्योंकि फतेह ने जैस्मिन के साथ जो किया था जैस्मिन वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए जैस्मिन इस बार लौटी ही है कुछ नए मकसद से। लेकिन इस बार जैस्मिन क्या करेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखेंगे कि कैसे जैस्मिन जो है वो तेजो को भड़काती है और बोलती है कि जो तेरे साथ पहले हादसा हुआ था वो अंगद ने किया था, लेकिन फतेह जो है वो बार बार मुझे ही ब्लेम कर रहा है और बार बार मुझे डराने की कोशिश करता रहता है, और इन बातों का असर जो है कहीं ना कहीं तेजो पर होता है। तेजो जाती है फतेह के पास और बोलती है कि तुम आज के बाद जैस्मिन से कभी कुछ नहीं करोगे, तुम मुझसे वादा करो कि जैस्मिन से आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कहोगे। जिस बात फतेह जो है शौक रह जाता है और फतेह बोलता है तेजो को कि तुम बहुत ही ज्यादा भोली भाली हो, इसलिए तुम बार बार जैस्मिन की बातों में आ जाती हो और तुम्हें जैस्मिन की सच्चाई भी नहीं दिख रही है। लेकिन तेजो बेचारी करे तो क्या करे, उसे तो बस अपनी बहन की फिक्र है। वो बोलती है तुमने देखा था ना जब जैस्मिन घर छोड़कर चली गई थी तो उसकी कैसी हालत हो गई थी, और वो इस टाइम पे तो प्रेग्नेंट भी है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। इस बात से फतेह जो है वो तेजो के आगे झुक जाता है और जो फतेह है वो कुछ नहीं कहता। दरअसल हुआ ये था कि आपने देखा था किस तरह जो जैस्मिन विर्क परिवार में आती है, जहाँ तेजो और फतेह की खुशियाँ चल रही होती हैं, जहाँ वो दोनों डांस कर रहे होते हैं, वहीं पे जहाँ जैस्मिन के विर्क परिवार में एंट्री होती है, इस बात से फतेह जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके मन में यही चलता है कि कहीं जैस्मिन फिर से तेजो को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे। लेकिन जैस्मिन जो है वो उसको बोलती है मैं इस बार तेजो को कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन जैस्मिन की बातों पर भरोसा करना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए फतेह जो है उसको तब भी बोलता है कि तुम अपनी सारी सच्चाई जाकर खुद से सबको बता दो, लेकिन जैस्मिन का सबको अपनी सच्चाई बता देगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं आप देखेंगे कि कैसे जहाँ जैस्मिन डर भी जाती है फतेह की बातों से, इसलिए वो फिर से ड्रामा करने लगती है और बेहोश हो जाती है। वहीं पे गुरप्रीत जो है फिर उसकी बातों में आ जाती है और जैस्मिन का ख्याल रखने लगती है। वहीं पे जैस्मिन ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही है। लेकिन जैस्मिन का ये ड्रामा कब तक चलेगा और कैसे फतेह जो है वो सबके सामने इसका सच लाएगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सीरियल में। पर आपको ये भी बता दे, जहाँ सिमरन है वो काफी दिनों से परेशान है क्योंकि किसी को उसका अननोन कॉल आ रहा है, इसलिए जब उसका बेटा कैंडी खो जाता है तो इस बात से सिमरन जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी कैंडी मिल जाता है, जिस बात से सिमरन जो है वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है, लेकिन वो सारी चीजें अभी सबसे छुपा रही है। लेकिन ये नया शख्स है कौन और कैसे जैस्मिन के साथ मिलकर करेगा फतेह और तेजो की खुशियां बर्बाद, ये तो सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में ही पता चलेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो और लाइक करना ना भूलें।